जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं पुनः आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। साथ ही साथ आप सभी राशि वालों को बताने वाला हूँ कि क्या छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपको आ सकती है और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आसानी से निकल सकता है। साथ ही साथ अपने सनातन धर्म की महानता का एक चर्चा अवश्य आपसे करूंगा, जिसको जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर नक्षत्र और सितारे, आइए सबसे पहले इसी पर एक नजर डालते हैं। आज राहु महाराज वक्री होकर और साथ में बुध देवता भी वक्री होकर ही वृष राशि में विचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता और शुक्र देवता मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। चंद्र देवता कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल देवता नीच के होकर कर्क राशि में ही विचरण कर रहे हैं। केतु महाराज वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं। शनिदेव महाराज वक्री होकर मकर राशि में ही विचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। यहाँ बैठकर ये सभी हमारे और आपके कर्मों का हिसाब रखते हुए हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ, कभी भी देशद्रोह का, आतंकवादियों को समर्थन देने का कोई भी कार्य मत करिएगा। कोई भी मिलावटखोरी या नकली दवाओं का या नशे का व्यापार न करिएगा, ना उस कार्य को किसी भी प्रकार से अपना समर्थन दीजिएगा, ना ही सरकारी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाएं, ना किसी का बुरा सोचें, ना बुरा किसी के करने का प्रयास करें। तो भगवान आपको क्यों नहीं सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य लगातार प्रदान करते रहेंगे। और जबकि आप इनमें से एक भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपको दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और दुर्गति प्रदान करेंगे। 100 बार सोचेगा कोई भी बुरा कर्म करने से पहले। ये सनातन धर्म की महानता ही है, जो आपको एडवांस में पता चल रहा है ये सारी चीजें, और आप उसके प्रति अपनी कार्यशैली को सुधार सकते हैं। अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के एक चर्च के बिशप, जिनकी उम्र 72 साल थी, आप सोचिएगा, एक बिशप बिशप जब बनता, जब वो लगभग 25 साल फादर की पदवी पर बना रहता है, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है और उसे बिशप की पदवी प्रदान की जाती है। हो सकता है कुछ मतांतर हो, किसी कहीं 20 साल में भी ऐसा करते हो। तो उस व्यक्ति ने, जो इंडियन, ना तो इंडियन है, ना इंडियन ओरिजिन का है, ना वो इंडिया में किसी को जानता था, उसने मुझसे संपर्क किया गूगल के थ्रू। उसने मेरी वेबसाइट पर गया, वहां से उसने मुझसे संपर्क किया और सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत उसे पता भी था, क्योंकि वो लगातार माँ महालक्ष्मी की पूजा स्वतः ही कर रहा था। मगर वो माँ महालक्ष्मी को माँ महालक्ष्मी के रूप में नहीं जानता था, वो उन्हें गॉडेस ऑफ वाटर के रूप में जानता था, क्योंकि माँ महालक्ष्मी के जितने भी फोटो वगैरह दिखाए जाते हैं नॉर्मली, उनमें जल जल के अंदर उनको दिखाया जाता है, तो वो उस वजह से उनको गॉडेस ऑफ वाटर के रूप में उन्हें जानता था। और उसे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके लिए वो एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस चाहता था, हमारे सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हुए। वो नित्यपति माँ महालक्ष्मी की पूजा करता था।
ये सब बातें मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो अत्यंत प्रसन्नता का कारण थी कि एक क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, एक बहुत बड़ी पदवी को धारण करने वाला, बहुत बड़ा क्रिश्चियनिटी के लिए धर्मगुरु सनातन धर्म में विश्वास रख के मुझसे संपर्क कर रहा है, मुझे अपना एस्ट्रोलॉजिकल फादर मान के अपने आप को मेरा बेटा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है और आजीवन एक टाई के रूप में बांध रहा है, एक गुरु के रूप में मुझसे संपर्क रखना चाहता है ताकि मैं उसे समय समय पर उसको जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन उसे दे सकूं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तो मेरे महान संतों ऋषि मुनियों की अद्भुत खोजें हैं जिन्होंने अपनी असाधारण तपस्या के बल पर, समाधि के बल पर भगवान से कनेक्शन स्थापित किया परमपिता से, और उन उपायों को खोजा जो मानव जाति के कल्याण के काम आती है। छोटे छोटे से उपाय ढूंढे जिनको करने से या रत्नों को धारण करने से आपकी विभिन्न प्रकार की परेशानियां जादुई तरीके से छुमंतर हो जाती हैं। कब बाद में उन्हीं के खोजों को, उनके द्वारा की गई रिसर्चों को हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित किया गया और उसी के माध्यम से सनातन धर्म का यह तुच्छ सेवक आप लोगों की सेवा करके अपने आप को धन्य भागी मान रहा है, चाहे वो उस क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु की सेवा करता है या विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु समय समय पर मुझसे संपर्क स्थापित करते हैं उनकी मदद करके मुझे गर्व का अनुभव होता है। मगर इस सब में जो सबसे बड़ा योगदान है, मैं उस सभी के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वो आपके पूर्वजों का है और आप लोगों का है, क्योंकि आप मेरे वीडियोज को ब्लॉगिंग के द्वारा, उस पर ट्विटर के द्वारा उसे लोगों के बीच में बार बार भेजते हैं, बार बार लोगों से शेयर करते हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों का सहारा लेकर मेरे वीडियोस को लगातार प्रमोट करते हैं, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर करते हैं, तो अंततः वो इसी चेन में घूमता घूमता पूरी दुनिया तक पहुंचता है और उसी की बदौलत हमारे सनातन धर्म की जय जयकार होती है, सनातन धर्म का नाम रोशन होता है कि हमारे पूर्वज जो हमारे महान संत और ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी खोज के बल पर हमें इतना एनरिच बनाया कि आज हम धर्म गुरु हैं। ये कटु सत्य है। मुझ जैसा व्यक्ति जब 133 देशों के लोगों को, जो देशी विदेशी लोग, सभी प्रकार के लोग हैं जिसके अंदर, उन सबकी मदद कर रहा है तो दुनिया में कितने राष्ट्र हैं, मगर मुझ जैसे तो हजारों लोग सच्चे मन से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों की ही बात करूंगा, क्योंकि 100 में से जब देखा जाता है तो 95 लोग फ्रॉड निकलते हैं। जब मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल पर जो वीडियो लगा हुआ है, जो मेन वीडियो है मेरे चैनल का, कि ढोंगी पाखंडी बाबाओं की और एस्ट्रोलॉजर्स की पहचान कैसे करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लोगों के साथ सर्कुलेट करिए ताकि लोग ठगे जाने से बच सकें और इन ढोंगी पाखंडियों की पोल खुल सके। तो आइए नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज है 15 जून सन 2021, मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी है, विक्रम संवत है 2078। परमपिता परमात्मा आज जो अपने द्वार खोलने वाले हैं वो समय है शाम को 8:02 से लेकर 9:42 तक, और आप किसी कार्य को करने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 11:54 से लेकर 12:50 तक। इस समय के दौरान आप अपने किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना प्रारंभ कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो लोग जादू टोना अविचार कर्म षटकर्म इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा दोपहर में 3:51 से लेकर 5:36 तक, या फिर सुबह 8:52 से लेकर 10:37 तक। इस समय के दौरान आप अपने सभी प्रकार के जादू टोना टोटका विचार कर्म और षटकर्म इत्यादि प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, किसी का बुरा कभी भी नहीं करना है, भला करना है तो बेशक करिएगा, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है आप लोगों को। प्रिय भक्तगणों, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च की हुई है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए उपाय मोबाइल ऐप के माध्यम से डायरेक्टली जान सकते हैं। किंतु जो लोग हमसे मेरे खुद के द्वारा मंत्र सिद्ध की गई प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की गई अंगूठियां, रत्नों की जो अंगूठियां होती हैं, जो कि मेरी 32 साल की नवग्रह मंत्रों की नित्य प्रति की गई साधना के आधार पर, उनको सिद्ध किए गए मंत्रों के आधार पर, जब मैं आपकी मंत्रों की अंगूठियों को आपके नाम से अभिमंत्रित करता हूँ, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करता हूँ, तो ये रत्नों की अंगूठियाँ आपको चमत्कारी फल दिखाती हैं। अब इतने सारे वीडियो जो समय समय पर लोग हमसे फायदा उठाते हैं, उनके वीडियोज हमारे राशिफल के दौरान लगे होते हैं, उन सब के चेहरे पर आ रहे भावों से, उन सब के चेहरे पर चमक रही खुशियों से आप आराम से अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने कितना फायदा उठाया होगा और अपने जीवन को धन्य बनाया है। तो आप भी बिना किसी झिझक के इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के दैनिक राशिफल से। मेष राशि वालों, थोड़ा सा परिवर्तन तो हुआ ही है। जो सूर्यदेव ग्रहण के शिकार होकर बैठे हुए थे राहु और केतु के मध्य, वो अब वहां से निकलकर आपके बाहुबल बनकर आपके जीवन में नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट जैसी खुशियां लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये उन सब युवक युवतियों के लिए भी खुशखबरी है जो पिछले काफी समय से परेशान थे नौकरी प्रमोशन और ट्रांसफर को लेकर, उनको निश्चित ही अब उनके जीवन में खुशियां प्राप्त होने लगेंगी। किंतु आपका अपना ग्रह थोड़ा सा नीच का है तो वो प्रभाव आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो अपने ग्रहों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आप लाभ नहीं उठा सकेंगे। परिवारजनों से भी थोड़ी सी समस्या रहेगी। स्टूडेंट अगर फोकस करेंगे तो ही अपने मन को पढ़ाई लिखाई में लगा सकेंगे। तो आप अपने आप को स्ट्रोंग करिए, अपना कैरियर बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़िए, और जिन लोगों को नौकरी प्रमोशन और ट्रांसफर की लालसा है, इच्छा है, वो उस अपनी इच्छा को इस समय पर पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी कोई अड़चन आए तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी झिझक के आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ बात करूंगा आपके कार्यस्थल की। आपके कार्यस्थल पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बॉस से, अपने साथी कर्मचारियों से अवश्य ही सावधान रहें। और इसके लिए एक तोड़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, चाहे व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, अपने पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इन दिनों की बात करूंगा तो मैं 11 अक्टूबर तक की बात विशेष रूप से कर रहा हूं कि अब से लेकर 11 अक्टूबर तक आप नित्य प्रति ऐसा ही करिए। आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगी परमपिता परमात्मा के यहाँ से। चरण स्पर्श और आशीर्वाद आप पिताश्री का लेंगे, लेकिन उनके वचनों में, भगवान के वचनों का समावेश होगा। डू इट। प्रेम संबंधों में परेशानी महसूस कर रहे हो तो अपने भाई बहनों का साथ ले सकते हैं, नहीं तो बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें और लाभ उठाएं। यहां बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। उलझने तो अभी भी बाकी हैं। परिवारजनों के साथ कुछ परेशानी आ सकती है, मगर यही परिवारजन आपको नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की खुशखबरी देने वाले हैं, आपको लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस अवस्था का, वो सभी युवक युवतियां जो नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लाभ उठा सकते हैं। आपका अपना बाहुबल आपको कमजोर महसूस होगा। मंगल का यहां पर नीच का हो जाना आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। भाई बहनों के साथ अड़चन आ सकती है, सावधान रहे। यहां पर
बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स की उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, ये माँ बाप ध्यान दे दें। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत मोटी फीस देकर जब बच्चों के स्कूल में दाखिल कराते हैं तो इसी उम्मीद से कराते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन कोई स्कूल गारंटी नहीं लेता कि वो आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगा देगा या हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलाएगा। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बच्चे का मन न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगा, अभी तो हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलाऊंगा। जो युवक युवती सरकारी नौकरी को लेकर परेशान है, बिना किसी झिझक के इसकी बारे नंबरों पर मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। अपने जीवन साथी, अगर आपका जीवन साथी है तो उससे सावधान रहिए, इन द सेंस कि उसके गुस्से से बचने का प्रयास करिएगा। उसका गृह आपके लिए बहुत परेशानी वाला समय सिद्ध करेगा, तो थोड़ा सावधान अवश्य है। अपने आप को जितना मजबूत कर लेंगे, अपने राशि रत्न भाग्य के रत्न की अंगूठी पहनकर, वो आप ही को बेनिफिट देगा। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूँ, कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद वहां मिलता हुआ नजर आ रहा है, किंतु कार्यस्थल पर खर्चे होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में परेशानी आएगी, उसको दूर करने के लिए आपको बिना किसी झिझक मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना अच्छा समय इन द सेंस ये है कि आपको नौकरी में या प्रमोशन में या इंक्रीजमेंट में या ट्रांसफर में फायदा हो सकता है। उन सभी युवक युवतियों की बात कर रहा हूँ जो आशा लगाए बैठे थे कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, इंक्रीजमेंट होगा, तो उनके लिए समय अच्छा हो सकता है, तो इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। किंतु आपका ग्रह कमजोर है तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करेगा? मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आपको ग्रैब भी तो करना है, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना भी तो है, नहीं तो निकलते हुए भी देर नहीं लगेगी। आपका अपना ग्रह कमजोर है, बुध देवता वक्री होकर आपकी राशि से 12th बैठे, आपके लोग कमजोर हैं, तो आप हमेशा पन्ना रतन की अंगूठी मंत्र सिद्ध कर प्राण प्रति जागृत कराकर, और भाग्य का रतन की भी अंगूठी इसलिए पहने, भाग्य के देवता शनि महाराज जो है वो इस समय तो वक्री होकर अष्टम में, पहले काफी समय से अष्टम में ही बैठे हैं आपके लिए, तो वो आपको वो और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए उनको नहीं, आपको नहीं प्राप्त होने दे रहे। जब तक आप इन दोनों रत्नों की अंगूठियां अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। परिवारजनों के साथ झगड़ा करने का बिल्कुल प्रयास ना करें, भाई बहन आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां बात करूंगा स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे और पढ़ाई लिखाई को फोकस कर सकेंगे, निश्चित ही उन्हें करना भी चाहिए आगे कैरियर बनाने के लिए। यहाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ख्याल रखें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य में, स्पेशली कोरोना की इस महामारी में आप कहीं शिकार ना हो जाएं। आप अपने आप को बेहद सावधानी पूर्वक सरकारी सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जीवन यापन करें, अपने परिवार के साथ घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके कार्य स्थल पर, तो आप इन दिनों अपने भाग्य को बनाने में स्वयं समर्थ हैं, आपकी मेहनत आपका भाग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इस समय का फायदा उठाइए। चिंताओं और फिक्र से मुक्ति पाने के लिए भी कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, तो उन चिंताओं से पार आने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर राहु महाराज आपको, अगर आप उनके रत्न की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा देंगे। प्रेम संबंध निश्चित रूप से इन दिनों आपके सिर पर चढ़कर नाचेंगे, बोलेंगे और शायद आपको आनंदित और आत्मविभोर करेंगे इस विपरीत परेशानी वाली परिस्थितियों में भी। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, क्रोध पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। परिवारजनों का सपोर्ट आपको निश्चित रूप से हासिल होगा, किंतु जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, आप अपने बच्चे को गारंटी से अच्छा नंबर दिलवाने के लिए और गारंटी से पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगवाने के लिए हमारा छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय जो साल में एक बार करना होता है अवश्य करें और लाभ उठाएं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे जो स्टूडेंट, उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही जो प्रोमोशन इंक्रीजमेंट का सपना देख रहे थे, प्रमोशन इंक्रीजमेंट या ट्रांसफर का, उनको भी घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ परेशानियों का बहुत ज्यादा अनुभव होगा। जिन लोगों की शादी के रिश्तों की बात चल रही थी उनको वो रिश्ते की टूटने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। जो लोग परेशान हैं
कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य के देवता को तो मजबूत करो, अपनी राशि रतन की और भाग्य के रतन की अंगूठी तो सदैव धारण करो, बहुत लाभ होता है। आमन्य के देवता जब खराब होकर नीच के हो जाएंगे तो कार्यस्थल पर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, सावधान रहें, सतर्क रहें। और आमन्नी में प्रॉब्लम देने के लिए अलग से राहु महाराज और बुध देवता दोनों ही आमन्नी के घर में बैठे, वक्री बुध हैं। अपने आप को सुरक्षित रखें, बिल्कुल किसी किस्म की लापरवाही ना करें। बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, मंगल देवता खराब होकर आपकी राशि से 12th बैठे हुए हैं, आपको परेशानी और आपको अनायास ही बहुत क्रोध प्रदान करेंगे। हालांकि आपका अपना ग्रह आमंदनी में बैठकर आपको लाभ पहुंचा रहा है, निश्चित रूप से आपकी आमंदनी में वृद्धि होगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा इस अगले महीने तक, तो बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में भी ये ग्रह ठीक हो। मैं बात करना चाहता हूं स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट्स हैं निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में अगर फोकस करना चाहें तो वो फोकस कर सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों में हैं तो वो अपने घर पर डिक्लेयर कर दें कि वो फलाने से प्रेम करते हैं, तो शादी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मौके पे चौका मार दो, मेरे भाई देर किस बात की करते हो, फिर भी कोई परेशानी आ रही तो स्क्रीन पर जो मेरे नंबर आ रहे हैं उन पर मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करूं, मैं छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के माध्यम से आपको अवश्य ही मदद करूंगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शनि महाराज वक्री होकर बीमारी के घर में जब बैठेंगे और सामने से मंगल देवता वहां पर घूरेंगे तो निश्चित रूप से मंगल और शनि का योग आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जन्म प्रदान कर सकता है, चोट भी लग सकती है और शनि और मंगल से संबंधित बीमारियां आपको व्यथित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। हाइपरटेंशन, टिश्यूज की प्रॉब्लम, लिगमेंट्स की प्रॉब्लम इसी कारण से होती है, और शनि की तो कोई भी बीमारी क्रोनिक डिसीज बन जाती है जो ठीक होने का ही नाम नहीं लेती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचने का प्रयास भी करें, हालांकि समय ऐसा कोई मौका ही नहीं है लॉकडाउन में कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। तो यहाँ पर आपका जीवन साथी निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना आप ही का कर्म है। और बात करूंगा कार्यस्थल पर, तो आपके जैसा मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ, आपके घर पर भी और आपके कार्यस्थल पर भी आपके कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने का प्रयास करें। यहाँ बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि समय है आपका अपना ग्रह वक्री होकर जब भाग्य में बैठेगा तो निश्चित रूप से थोड़ी प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। अपने भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव धारण करें, साथ ही साथ शुक्र राहु महाराज के रतन की अंगूठी भी धारण करें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, तभी तो ये सब मिलकर आपको मजबूत कर बनाएंगे। भाई बहनों से झगड़ा बिल्कुल भी मत करें, जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान रखें कि कोई भी स्कूल गारंटी नहीं दे सकता कि आपके बच्चे के हर साल पहले से ज़्यादा नंबर दिलाएगा या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगाकर देगा, मगर मैं आपको गारंटी देता हूँ पिछले 20 सालों से कि आपके बच्चे का मन छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय से जरूर पढ़ने में लगेगा और हर बार पहले से ज्यादा नंबर ला कर देगा। आपका जीवन साथी निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना आप ही का अत्यंत आवश्यक कर्म है। उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और जो लोग परेशान हैं, जिनको बार बार मिस कैरेज हो जाता है, उनको छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय बताता हूँ, बशर्ते वो डॉक्टरों की इलाज करा करा कर थक चुके हों और कोई लाभ नहीं हो रहा हो, तो ये छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय आपकी जो जन्म कुंडली के अनुसार मैं आपको बताऊंगा वो बेहद लाभ पहुंचाने वाला होगा और आपकी मिस कैरेज की प्रॉब्लम को तुरंत खत्म करने में सहायक होगा। कोई खाने की दवा नहीं है, मैं वैसे ही बाहरी उपाय दूंगा आपको जो आप वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके जान सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं कार्यस्थल पर निश्चित रूप से वो जो सभी युवक युवतियां सरकारी नौकरी प्रमोशन एंगेजमेंट के सपने देख रहे थे, ट्रांसफर के सपने देख रहे थे, उन सभी को लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। वो इस लाभ का फायदा उठाकर अपने जीवन में नई खुशियों का प्रवेश करा सकते हैं। आप कमजोर हैं, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए आपने जैसा मैंने बताया था उन रत्नों की अंगूठियां तो धारण करनी ही करनी है
और इस अपॉर्चुनिटी को आज से जाने नहीं देना है। हालांकि आमदनी में आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, नहीं तो आप लोन के दलदल में फंस जाएंगे और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते चले जाएंगे। जय शनिदेव। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरी और मेरे बच्चों के लिए राशिफल दी। मैं आपकी दी हुई उपाय को जरूर करूंगी। एंड यू आर सो काइंड एंड हेल्पफुल गुरु जी, आपने इतना प्यार से मुझे समझाया, मुझसे बात किया। थैंक यू सो मच। यहाँ बात करता हूँ तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों, आपका अपना ग्रह भाग्य में बैठकर आपको आशीर्वाद देता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही अच्छे सिम्टम्स हैं। और साथ ही साथ वो युवक युवतियां जो नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की या ट्रांसफर का रास्ता देख रहे थे, उनको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि वाले ऐसे सभी युवकों को वो भाग्य में जाकर उस ग्रह का बैठ जाना आपको मौका दे रहा है कि आपको नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट ट्रांसफर इत्यादि में फायदा हो सकता है, आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां प्रवेश कर सकते हैं। तो अपने आप को मजबूत रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कोई भी अवसर हाथ से मत जाने दीजिएगा। परिवारजनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, माता से भी झगड़ा ना करें, उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। तो माता का आशीर्वाद लेते रहें, जिंदगी में उन्नति करते रहें। बात करूंगा स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का मन विचलित रहेगा पढ़ाई लिखाई में, माँ बाप ध्यान दें उनका मन फोकस कराने के लिए। हमारा गारंटी वाला उपाय जो साल में सिर्फ एक बार करना है उसको करके लाभ उठाएं। रिटर्न में भी आपको गारंटी दे सकते हैं कि चाहे आपका बच्चा कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसका मन हम पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे और हर बार पिछली साल से ज़्यादा उसके नंबर दिलवाएंगे। चाहे वो दूसरी क्लास में पढ़ता हो, चाहे CA के फाइनल के पेपर दे रहा हो, चाहे IAS IPS IRS की तैयारी कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग IIT JEE या NEET की तैयारी कर रहा हो, तो निश्चित रूप से सही समय पर अगर ये उपाय कर लेंगे, यानी आपके एग्जाम से 4-5 महीने पहले कम से कम ये उपाय कर लेंगे, तो अवश्य आपको लाभ होगा। साल में एक ही बार करने होते हैं, छोटे से उपाय बेहद लाभकारी हैं। और बात करता हूँ आपके कार्यस्थल पर, निश्चित रूप से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है वहाँ पर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करना है, वरना आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ मैं बात करूँगा उन नशे में डूबे हुए सभी लोगों की, कि आपकी नशे की समस्या को छुड़ाने के लिए चाहे आप दारू पीते हैं, चाहे ड्रग्स का नशा करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपको बेहद मदद कर सकते हैं। और ये उपाय के लिए भी आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके घर बैठे मेरे से ये उपाय मंगवा सकते हैं। ये चमत्कारी प्रभाव निश्चित रूप से आपके ग्रहों को इतना मजबूत कर देंगे कि आप नशे की आदत से धीमे धीमे करके बड़ी आसानी से छुटकारा पा लेंगे। ये कोई खाने की दवा नहीं है, यह आपकी जन्म कुंडली के अनुसार छोटा सा प्रयोग है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी साइंस का ही दूसरा नाम है। यहां मैं बात करता हूं आपके जीवन साथी के बारे में। आपका जीवन साथी अगर आपके कार्यस्थल पर इंटरफियर करता है तो आपको नुकसान होने की संभावना है, तो उनकी सलाह कार्यस्थल से संबंधित ना मानने में ही फायदा है। विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रेम संबंधों में परेशानी आना लाजमी है, फिर भी आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा परेशानी हो रही तो बिना किसी चेक की प्रारंभिक नंबरों पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हूँ, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। आपका अपना ग्रह नीच का है तो आपको उसके लिए तुरंत मजबूती के उपाय करने चाहिए। अपने राशि रत्न के, भाग्य के रत्न के, रामंदी के रत्न की अंगूठी पहनकर, कार्यस्थल के रत्न की अंगूठी पहनकर इन सब परेशानियों से बाहर निकल आना चाहिए। अगर आप मजबूत हैं तो फिर परेशानी होगी क्यों, आप ही अकेले नहीं पहनते। हमारे देश में देखिए, अगर हम बड़े बड़े नेताओं की बात करें, उनके हाथों में भी आप इन रत्नों की अंगूठियों को देख सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की बात करें तो उनके हाथों में भी इन रत्नों की अंगूठियों को देख सकते हैं। बड़े बड़े अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें या अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के हाथों की पर नज़र फरमाएंगे तो आपको निश्चित रूप से उनके हाथों में बहुत सारी रत्नों की अंगूठियाँ नज़र आ जाएंगी।
ये मंत्रों की अंगूठियां उनको इस लेवल तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं, उनको निरंतर आगे की तरक्की की सीढ़ियां तक ले जाती हैं। आप भी पहन के लाभ उठाइएगा। और यहाँ पर भाई बहनों से भी झगड़ा नहीं करना, माता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा, तो माता से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टूडेंट माता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे तो अवश्य उनको लाभ होगा। किंतु जो युवक युवतियाँ सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे, ट्रांसफर की इच्छा रख रहे थे, उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सभी युवक युवतियाँ बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा लाभ उठा सकते हैं। भाग्य में नीच के मंगल आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। कार्यस्थल के देवता का नीच वो अष्टम हो जाना निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी का सबब तो बन जाता है, किंतु यही अष्टम सूर्य आपकी यमदूतों से रक्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। मौत के मुंह में से भी समय आप बाहर आने की क्षमता रखते हैं। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो अगर आप अपने प्रेम संबंधों में अपनी माता से सलाह कर सकते हैं तो अवश्य करिएगा। अगर आप मुझसे सलाह करना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय पाकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करके घर बैठे ही लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना घर आपका बाहुबल बनकर आपको आशीर्वाद दे रहा है। ने अच्छा समय है, इस पर्टिकुलर पर्पस में आप लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। परिवारजनों से झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, कोशिश करिएगा उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आने वाला, तो उनका आशीर्वाद अगर ले सके तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। यहाँ भाई बहन भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद भी भाई बहनों के साथ मिलकर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ बात करूँ स्टूडेंट्स की, निश्चित रूप से उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। माँ बाप ध्यान दें, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैरियर कैसे बनेगा, कोई मूंगफली थोड़ी बेचनी है उसने आगे चलकर। अरे हम गारंटी देते हैं आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, रिटर्न में भी दे सकते हैं आपको गारंटी, छोटा सा साल में एक बार एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करने से। हर साल एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय करिए, समय रहते करिए, जैसे ही उसका एडमिशन नई क्लास में हो उसी समय करिए, सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसा मत करिए कि एग्जाम टाइम में उपाय करेंगे तो कुछ भी फायदा ना के बराबर फायदा होगा। यहां बात करता हूँ आपका जीवन साथी, निश्चित रूप से उनका ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां दे सकता है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और ट्रांसफर से संबंधित सूचना आपको प्राप्त होकर लाभ प्रदान कर सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करिएगा। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए, चोट इत्यादि एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना से बचने का प्रयास करिएगा यात्रा के दौरान विशेष रूप से। यहाँ कार्यस्थल के हालात अनुकूल नहीं होंगे, आपको कार्यस्थल पर प्रॉब्लम आ सकती है, सावधान में सतर्क रहें, किंतु जीवन साथी का साथ आपकी आमदनी में अवश्य वृद्धि कर सकता है, तो उनकी सलाह मानने से आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। और प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से निराशा और परेशानी आएगी, उस संबंधों में मजबूत करने का प्रयास करिएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे बताए गए छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आप वीडियो कॉल पर चर्चा करके प्राप्त कर सकते हैं, उनसे लाभ उठाइएगा, घर बैठे ही लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करूंगा मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपका अपना ग्रह देखिए वक्री है आपकी राशि में बैठकर, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, मगर आप अपने आप को पहले ही मजबूत कर चुके हैं, क्योंकि आपको आपने मेरी सलाह पर जिन लोगों ने नीलम रतन की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण करी, अपने भाग्य की रतन की अंगूठी, अपनी कार्यस्थल के रतन और अपनी आमदनी के रतन की अंगूठियाँ धारण कर रखी, तो उनको प्रॉब्लम होगी ही क्यों। मैं भी धारण करता हूँ, मैं खुद मकर राशि का हूँ, मैंने वो सभी रत्नों की अंगूठियां धारण की हैं जिनसे रत्ती भर भी मैं फायदा उठा सकता हूं, और उसी के वजह से तो आज मैं ये धर्मगुरु की पदवी हासिल कर सका हूं। अपने घर परिवार को सुख और सुविधा युक्त तो बना सका हूं, और अपने बच्चों को उनके कैरियर में इतना मजबूत बना चुका हूं कि मुझे गर्व होता है कि वो मेरे बच्चे हैं, कि जस्ट बीटेक और एमटेक करके उनको हाईएस्ट पैकेज 42-43 लाख का पैकेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा फर्स्ट डे जब उनकी जॉब खत्म भी नहीं होती उससे पहले मिल जाता है। या जो बीटेक बच्चा है मेरा, वो अभी उसे 47 लाख का पैकेज मिला है डीशो नाम की हैदराबाद बेस्ड कंपनी से।
जबकि दूसरी कंपनी में वो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा है और ऑलरेडी उसके पास एक अच्छा खासा जॉब का ऑफर है वहां से। तो ये सब कारण मैं अकेला नहीं हूं, मैं इतना अच्छा भाग्य ऊपर से लिखवा के नहीं लाया था, मैंने अपने भाग्य को इन रत्नों की अंगूठियों को पहनकर मजबूत बनाया। अपने बच्चों को तीसरी चौथी क्लास से रत्नों की अंगूठियां पहनाकर उनके भाग्य को इतना मजबूत कर दिया कि नौकरी, जब वो 22 साल का बच्चा 47 लाख का पैकेज लेता है, मेरा बेटा जो छोटा बेटा है जो अभी मार्च में 22 साल का हुआ है, उसे 47 लाख का पैकेज मिला है, तो कौन माँ बाप गर्व से अपना सीना चौड़ा नहीं कर लेगा। तो यही सलाह मैं आप लोगों को देता हूँ, हमेशा अपने आप को मजबूत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए प्रेम संबंधों में, तो निश्चित रूप से परेशानी आएगी अपने प्रेम संबंधों के लिए। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपका अपना ग्रह राशि से 12th होकर बैठेगा तो परेशानी देगा, ऊपर से वक्री है, तो अपने राशि रत्न की, अपने भाग्य के रत्न की, अपने कार्यस्थल के रत्न की, अपने आमदनी के रत्न की मंत्र सिद्ध प्राण पत्र से जागृत करके अंगूठिया धारण करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। माता से झगड़ा ना करें, माता का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। जो स्टूडेंट है निश्चित रूप से उनके जीवन में खुशियां आएंगी, नौकरी प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, ट्रांसफर मन चाहा, उन सभी लोगों को जो नौकरी प्रमोशन इंगेजमेंट या ट्रांसफर का रास्ता देख रहे थे, उनको प्राप्त होने की संभावना बनती नजर आ रही है, इस मौके का फायदा उठाइएगा। स्टूडेंटों का मन थोड़ा सा विचलित होगा, पराए विपरीत सेक्स की तरफ थोड़ा सावधान रहें, अपने बच्चों पर नजर रखें। ये मोबाइल ने तो बच्चों को बिगाड़ के रख दिया, एक तरफ ये हमारे लिए सुख सुविधा का साधन है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को बिगड़ने का भी सबसे बड़ा साधन बन गया है। पहले ही बच्चे सीरियल देख देख कर और ऐसे भयंकर भयंकर सीरियल देख कर कि इसकी शादी उससे हो रही है, फिर थोड़े दिन बाद टूट जाती है, उसकी शादी उससे हो गई, फिर उसकी भी टूट जाती है, फिर उसकी शादी उससे हो गई, फिर उसकी शादी चौथे से हो गई, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी हमारे देश में चलती रही है। पता नहीं कौन सी अथॉरिटी है जो इन तरह के सीरियल्स को परमिट कर रही है कि हम इस तरह के वाहियात सीरियल्स बना कैसे सकते हैं। हमारी सोच कितनी विकृत है कि हम कितनी विकृत सोच के व्यक्ति बनते जा रहे हैं। उस बनाने वालों को तो गर्व होता है कि हमारा सीरियल इतना देखा जाता है। अरे गंदगी परोसों को तो सबसे ज्यादा तो जो मूवीज देखी जाती है वो आपकी नहीं देखी जाती, या सबसे ज्यादा सीरियल्स आपके नहीं देखे जाते, XXX मूवीज या XXX सीरियल्स सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो आप गर्मा तो गंदगी को परोसेंगे तो गंदगी को ही तो सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। अच्छी चीजों को, धर्म की, ज्ञान की, सत्संग की बातें कौन सुनना चाहता है। और उसकी बदौलत जो कुछ हो रहा है ना, अगर उस सच्चाई से पर्दा उठ जाए तो आपका दिमाग जो है फट जाएगा कि मेरे देश में या मेरे घर में या मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदारों में ये हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो आपका दिमाग सोच सोच के फट जाएगा अगर वो सच्चाई आपके सामने आ जाए कि क्या हो रहा है, इस समय हमारा समाज किस दशा में जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां मैं बात करना चाहता हूं, स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहिएगा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, और साथ ही साथ अपने जीवन साथी का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि जीवन साथी के साथ आपको ये नौकरी प्रमोशन में बहुत मदद करेगा अगर आप शादीशुदा हैं, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके प्रेम संबंध इस विषय में आपको बहुत मदद पहुंचाएंगे। फिर भी प्रेम संबंध में अगर कोई अड़चन आ रही हो तो बिना किसी किसकी प्रारंभिक नंबरों पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं बात करने वाला हूं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि समय चल रहा है, आपका अपना ग्रह जब राशि से 12th बैठा तो आप कमजोर हो गए, कमजोर हो गए तो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही होगी तो हाथ से निकलेगी। यहाँ तो आपके पास उन सभी युवक युवतियों के पास जो सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर का रास्ता देख रहे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, आ गई है, पकड़ो के कैसे, आप मजबूत तो हो ही नहीं, वहां से फिसल जाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपनी जन्म कुंडली को हमेशा, जन्म कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों को हमेशा मजबूत करके रखिए। हमेशा, चाहे कितने भी ग्रह हो, आप क्यों परवाह करते हैं, कितने हैं, 9 ही तो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 के 9 ही खराब होंगे। हालांकि ऐसा ही होता है, आप सोचिए, मैं आपको एक तारीफ की बात बताता हूँ, एक कि मतलब जो
अगर भगवान भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वो पंच परमेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि पंच उनके पांच ग्रह ही ठीक हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इंसानों के, अब आप बात करेंगे हम ऊपर के लेवल से बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो उनके कितने ग्रह ठीक होंगे? 3 या 3.5, 4 नहीं होंगे, 3 या 3.5 ग्रह ठीक होंगे। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, या बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून यानी टाटा बिरला, अंबानी, डालमिया बन सकते हैं। बात करें नीचे के लेवल की थोड़ा सा, जिनके 2.5-3 ग्रह सही होंगे तो वो विधायक, मेयर या अच्छे खासे बिजनेसमैन, अपने रसूखदार व्यक्ति होंगे। जिनके 2 ग्रह या 1.5 ग्रह ठीक होगा वो अच्छी खासी नौकरी में होंगे। अब देख लीजिए, 9 में से बात कर रहा हूँ, 1.5 ग्रह या अगर ठीक है तो, 1.5 या 2 ग्रह अगर ठीक है आपके विशेष हुआ आपसे काम से संबंध, तो वो अच्छी खासी नौकरी होंगे, काम चला होगा, उनका बिजनेस चल रहा होगा अच्छा खासा, उनको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। यानी केवल 1.5 ग्रह ठीक होने पर भी या 2 ग्रह ठीक होने पर भी ऐसा हो जाता है। 1 ग्रह अगर ठीक है तो भी वो गुजारा चला लेंगे धक्का पलट करके, और अब 1 ग्रह भी ठीक नहीं है तो फिर मेहनत मजदूरी करने वाले ही व्यक्ति होंगे। तो आप, ये स्थिति है, तो आप ये चौंकिएगा मत कि 9 ग्रह खराब होते हैं। 9 ग्रह वाकई खराब होते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति का तो 1 भी ग्रह ठीक नहीं होता ज्यादातर केस में जो देखा गया है, या फिर अगर ठीक होता है तो वो सही समय आने पर एकदम उसे झटके से जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। तो अगर आपको अपने 4-5 ग्रह एवरेज में ठीक करने होते हैं, उनकी नेगेटिविटी को खत्म करना है, और अब तो ये इसका जो बेनिफिट मिलेगा किसको मिलेगा? आप ही को ना। आप ही तो अपने घर परिवार के साथ, अपने नाती पोतों के, पुत्रों के साथ आनंद का जीवन अनुभव करेंगे, आनंद का जीवन जिएंगे। तो फिर इन छोटे छोटे उपायों को आप अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपनी संतान के लिए क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं लाभ उठाते हैं? बस इतना ही कहना है। क्या या तो हमारे संतों ऋषि मुनियों ने गलत लिखा हुआ है कि ये रत्नों की अंगूठियां फायदा नहीं करती? भगवान के आप जितने भी फोटो देखेंगे वो स्वयं धारण करते हैं रत्नों की अंगूठियों को, बाजूबंद में, कलघनी में, अंगूठियों के रूप में, जितने भी आप फोटो देख लीजिए। तो अगर आप अपने ग्रहों को ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। प्रेम संबंधों पर निश्चित रूप से मीन राशि वालों, आपको बहुत परेशानी आने वाली है, सावधान रहें। जीवन साथी के साथ भी थोड़ी अड़चन हो सकती है, भाई बहनों के साथ भी थोड़ी संभावना बनती हुई नजर आ रही झगड़ा की, तो उन सबसे भी सावधान रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई परेशानी होने पर बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।